हैदराबाद पार्लियामेंट्री हलके के टीआरएस उम्मीदवार टीसाई किरण के लिए इंतखाबी जलसे का इनेकाद जुबली हिल्स इलाके में किया गया, जिसमें कई टीआरएस कायदीन मौजूद थे, जिसमें कसीर तादाद में आवाम भी नजर आई, जिससे गुजारिश की गई कि वो भारी अक्सरियत से उन्हें वोट देकर कामयाब बनाए। इस मौके पर एडवोकेट वहीद अहमद, रुकन असम्बली गोपीनाथ और दीगर लोग मौजूद थे, जिन्होंने टीसाई किरण की हौसला अफजाई की। अगर आपने जरूरी ढील छोड़ी तो बीजेपी को ये सीट आ जाएगी। मैं आपको बताता हुआ चलूं, अगर अंजन कुमार यादव एक सेकुलर लीडर होता तो असरुद्दीन सिकंदराबाद से टिकट का खाली दावेदारी भी पेश नहीं करे। खाली एक कोई मीडिया वाले ने उनसे सवाल किया तो वो कहे कि अगर हाईकमान मुझे सिकंदराबाद देती है तो मैं सिकंदराबाद का मुकाबला करूंगा। आप बता दीजिए अंजन कुमार यादव कितना सेकुलर है, असरुद्दीन का नाम सुनते ही बोकलाट का शिकार हो गया, उसकी उसका लड़का भी बोकलाट में आकर एक तमाशा शुरू कर दिया। ये सच्चाई है नहीं, आप अखबार उठाकर देखो। एक मुसलमान को सिकंदराबाद पार्लियामेंट का टिकट पूछते हैं तो इनका ये रवैया है। मैं ये बता दूं, आप देख लीजिए, सिर्फ बातें कर रहे, बीजेपी की बीटिंग खराब दे रहे टीआरएस को। हकीकत बताता हूँ, 70 सालों का आप तारीख उठाकर देख लीजिए, आपके इस रियासत में बीजेपी कितने सीट जीत कर आती थी। कार्पोरेटर 24 से 25 हुआ करते थे, लेकिन तारीख गवाह है, ये मेरे वजीर आला की बदौलत है जिन्होंने इस रियासत से बीजेपी का सफाया कर दिया। अगर बीजेपी को खत्म करने का अगर किसी को एहसास मिलता है तो कलवा कुंडला चंद्रशेखर राव साहब को मिलता है, जिन्होंने जीएचएमसी से पूरा बीजेपी की जड़ को निकाल कर फेंक दिया। सिर्फ बीजेपी के 2 कार्पोरेटर मुंतखब आए, 150 में से 2 कार्पोरेटर हमेशा 24-25 होते थे। आपको यह भी हकीकत बता दूं, आपने गुजरा हुआ इलेक्शन देखा, 2018 में बीजेपी के कितने एमएलए थे, लेकिन शायद तारीख चला है, मेरी रियासत के वजीर आला कलवर कुंडला चंद्रशेखर राव ने रुकने संबंधी जितने